हजरत अमर बिन तगलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं और असहाबे सुफा में से हैं। वो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान चीज़ें तकसीम कर रहे थे, तहाइफ दे रहे थे, कुछ को हुज़ूर ने दिए, कुछ को न दिए। जिनको न दिए उनके चेहरों पर थोड़ी सी शिकन देखी तो रसूल पाक अलैहि सलाम ने जो बात की फरमाते हैं वो तो मेरा दिल मोह के ले गई। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे मैं किसी को देता हूँ, किसी से रोक लेता हूँ। तोहफ़ा लेना देना मोहब्बत की अलामत है। उस हदीस को भी जहन में रखना और इसको भी ज़रा रखना। हुज़ूर ने फरमाया मैं कुछ को अता करता हूँ, कुछ से रोक लेता हूँ, और फरमाया मैं जिससे रोक लेता हूँ ना उस बंदे से मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसे मैं देता हूँ। जिसे मैंने नहीं दिया उससे मेरा प्यार ज़्यादा है, मेरी उससे मोहब्बत ज़्यादा है जिससे मैंने कोई शायद नहीं दी। हैं कुछ बंदे जिन्हें दिया कुछ नहीं, काम सारी उम्र लिया है ना, तो बस ठीक है। हैं फरमाया जिनसे रोक लेता हूँ प्यार ज़्यादा करता हूँ, और फरमाया देता उन्हें हूँ जिनके दिलों में कुछ बोझ बन जाता है, तबीयत में बेचैनी आ जाती है तो दे देता हूँ, सुकून हो जाता है। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल खैर वाले हैं तो मैं फिर उन्हें नहीं देता, उन्हें मैं उस खैर के हवाले कर देता हूँ जो रब ने उन्हें अता की है। और हज़रत अमर बिन तगलिब कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ मेरे नसीब देखो, मेरे रसूल पाक फरमाने लगे वो जो जिनके दिल खैर वाले हैं और मैं उन्हें उस खैर के हवाले कर देता हूँ, ये अमर बिन तगलिब भी उन्हीं लोगों में शामिल है। अरब के अंदर सुर्ख ऊँट महंगा था, जिस तरह हमारे यहाँ देहातों में कहते थे ना ये जनाब ए देसी है, ये जनाब साहिवल नस्ल का है, ये फलानी जगह का है, तो उसकी वो कीमतन ज़्यादा होता था। अरब में सुर्ख ऊँट कीमतन ज़्यादा होता था। हज़रत अमर बिन तगलिब फरमाने लगे वो जो हुज़ूर ने मेरे लिए कहा ना इसका दिल खैर वाला है, ना भी दूँ तो फिर भी खैर है। फरमाने लगे मुझे 100 सुर्ख ऊँट मिल जाते या मुझे सुर्ख ऊँट दिए जाते तो इतनी खुशी ना होती जितनी रसूल पाक के इन जुमलों ने मेरे दिल में ठंडक पैदा कर दी सल्लल्लाहु तआला अलैहि।